Assalamualaikum friends, welcome to our kitchen and welcome to our channel Badr Aftab Vlogs. तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसका नाम है कैरी का शरबत। माशाल्लाह, देखिएगा इसकी लुक, देखिएगा माशाल्लाह कितनी जबरदस्त और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना रिफ्रेशिंग है कि इतना चिल्ड ये मशरूब बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी गर्मी का मामला सारा ख़त्म कर देगा, गर्मी नहीं लगेगी आपको इसको पीने के बाद माशाल्लाह। सबसे पहले आपने दो प्यारी प्यारी सी छोटी सी कैरियां ले लेनी है और ये छोटा पैकेट में बड़ा धमाका होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग जूस बनेगा इंशाल्लाह ताला और आपकी हर किस्म की गर्मी की जो प्रॉब्लम्स हैं और मैदे की प्रॉब्लम्स ये मिनटों और सेकंडों में झटपट दूर कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो कैरियां हम लेंगे, ये नॉर्मल साइज़ की हैं और आपने ये कैरियां सबसे पहले अपने प्रेशर कुकर में डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनके अंदर आप पानी डालेंगे, एक ग्लास जो है आप इसमें पानी का यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तकरीबन राउंड अबाउट प्रेशर कुकर लगवाएंगे ताकि हमारी कैरी अच्छी तरह बॉयल्ड हो जाए। प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो चुका है, आपने अब इसको 5 से 7 मिनट जो है अपनी कैरी को इसके अंदर बॉयल करना है और उसके बाद हम प्रेशर ओपन करके देखेंगे। ये देखिएगा कि ये सीटियाँ मारनी शुरू कर दी हुई हैं क्योंकि इसके अंदर एक इंतहाई रिफ्रेशिंग और मज़ेदार खट्टा मीठा सा मज़ेदार समर ड्रिंक रेडी होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा कैरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेडी हो गई है और बॉयल्ड हो गई है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसका सारा पर्क जो है वो हम निकाल लेंगे, छिलका अलग कर देंगे और गुठली भी अलग कर देंगे। रहमान रहीम, फॉक ले लेना आपने एक, उससे दबा लेना कैरी को क्योंकि ये गर्म होती है, तो इसको आपने ऐसे दबा के इस तरह छुरी से जो है वो कट लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ये खुल जाएगा सारा, ऐसे आपने इसको ओपन कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त ये जो है अंदर से सारा जो है वो बॉयल्ड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अब सारा इसका जितना भी पर्क है ना फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह सारा जो है ये अलग कर लेना है हमने छिलके के ऊपर से, और जो है गुठली के ऊपर से भी आपने एक साइड से कांटा पकड़ लेना है ताकि ये स्लिप ना हो ज़्यादा। तो ये आपने सारा इसका जितना भी पर्क है वो हम बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, इसको आपने अलग बाउल में करते जाना है पर्क को इकट्ठा करके, और जो है छिलके को आपने अलग कर देना है। फिर सारे जो है छिलके आपने इस तरह जो है इसको पर्क जो जितना भी है इसका आम का गुदा ये सारा आपने इसको कांटे से पकड़ के अच्छे तरीके से जेंटली जो है वो सारा उतार लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा हमारा जो ये छिलका है ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा रेडी हो गया। अच्छा, अब ये जो थोड़ा सा इसमें ये भी हमने निकाल लिया, रिज़क ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये सारा आपने अलग जो है इसको रख लेना है। इसी तरह इसका जितना है पर्क ये सारा हमने फिनिश कर लिया, इसको भी हम अलग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिएगा गुठली रह गई है फ्रेंड्स, अब गुठली को भी जो है आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी जितना सारा गुद्दा है वो सारा आपने अच्छी तरह दोनों साइड से जितना हो सके मैक्सिमम आपने इसको उतार लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये सारा पर्क हमने निकाल लिया है। अब इस पर्क के अंदर हमने चीनी और पानी चिल्ड यूज़ करना होता है इसके अंदर डाल के, लेकिन वो चीनी जब आप ठंडे पानी में इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो आपकी हल नहीं होती है चीनी, तो उसको हल करने के लिए हम जो है 1 कप चीनी जो है वो अपने ग्राइंडर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसके अंदर हमने चिल्ड पानी यूज़ करना होता है, तो आप इसको अगर ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा चिल्ड पानी के अंदर करके ग्राइंड कर लें तो अच्छे से हल हो जाएगी आपकी सारी चीनी। ये देखिएगा 1 गिलास हम जो है वो पानी का इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन ये चिल्ड बर्फ़ वाला पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान रहीम, पानी जो हमने ग्राइंड किया है चीनी के साथ शुगर के साथ उसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। देखिएगा चीनी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जग के अंदर देखिएगा ये बिल्कुल एक कतरा भी इसमें चीनी जो है वो नहीं बची अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये सारी जो है वो हल हो गई है, किसी किस्म का मुंह में नहीं आपके आएगा। और ये जो छोटे छोटे इसमें लैशेज है ना, ये आपके शरबत में ऐड होके बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इसमें 1 टेबल स्पून अब आपने पुदीना डालना है सूखा, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ और भुना हुआ जीरा डालना है आपने। ये बहुत रिफ्रेशिंग और ठंडक होता है पहुंचाता है। ये बेसिकली दोनों चीज़ें ठंडक पहुंचाती हैं आपके किसी भी मशरूब में। तो आपने भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा डालना है 1 टेबल स्पून, और काला नमक 1 टेबल स्पून आपने डालना है। ये हमारे ग्लास बने हैं 7 to 8 ग्लासेस का हमने ये मटेरियल डाला है। तो अगर आपने 1 या 2 ग्लासेस यूज़ करने हैं तो उसके हिसाब से अपने जायके के हिसाब से आपने वो चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है। ये सारी चीज़ें हमने तीनों अपने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है आपके मशरूब के अंदर, कैरी के शरबत के अंदर। तो ये आपने इसमें लाजमी यूज़ करवाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा चश्मे बदूर कितना मज़ेदार ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी होना है। आप यकीन करें, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतना मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक ये रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा छोटे छोटे कटल्स इसके आ रहे हैं, मैंगो के छोटे छोटे पीसीज आ रहे हैं इसके अंदर। ये जब आपका रेडी होता है ना कैरी का शरबत, तो इतना मज़ेदार ये लगता है मुँह में आते हुए कि मैं आपको इसकी हद बता नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने इसका जो है इसको ड्रिंक को रेडी करना है, और रेडी करने के लिए मैं आपको इसका बताता चला जाऊं कि आपने इसका ये हम इसमें से निकालेंगे और अपने जग के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बताता चला जाऊं कि आपके जो प्रेशर कुकर में आपने बॉयल करने के लिए पानी इसके अंदर रखा होता है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। वो आपने ज़ाया नहीं करना, जो बॉयल होने के लिए आपने कैरी जिसमें आपने प्रेशर कुकर लगाया होता है पानी के अंदर, वो वाला प्रेशर कुकर में से निकाल के आपने वो भी इसमें ऐड कर देना पानी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम चिल्ड वाटर जो है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने तकरीबन 3 से 4 पाव जो है वो पानी, आप कह लें पौवे जो होते हैं, वो आपने इसमें डाल देने हैं, या आप ग्लासेस भी कह सकते हैं पीने वाले, 2 से 2.5 आप ग्लास इसमें यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन चिल्ड वाटर के। अच्छा, हमने इसके अंदर बनाने हैं 6 से 7 ग्लास, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी यूज़ करवा रहे हैं। तो आपने उतना ही मटेरियल इसमें यूज़ करवाना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपने ड्रिंक बनाना है। तो जितना आपने ड्रिंक बनाना है उतने आप ग्लास इसमें पानी के ऐड करवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम जी। तो फ्रेंड, जो बकाया रिमेनिंग हमारा मटीरियल है वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारे ग्लासेस ज़्यादा है ना, तो हम ये सारा मटेरियल जो है इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह खुशबुएं आ रही हैं, ऐसे लगेगा जैसे रानी जूस पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिएगा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिलकश एक सुहाना मौसम ये क्रिएट कर दिया इसने माशाल्लाह इस शरबत ने। ये देखने में इतना रिफ्रेशिंग है तो पीने में माशाल्लाह कितना लाजवाब होएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा इसके छोटे छोटे जो कटल्स हैं ये कितने माशाल्लाह मज़ेदार लग रहे हैं, और ये इतना ठंडक पहुंचाने वाला शरबत मशरूब बनेगा कि ये ऐसे लगेगा आपको जैसे अंदर आपके एयर कंडीशन चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहमान रहीम जी। फ्रेंड्स, तो ड्रिंक बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपने इसमें क्यूब्स डाल देने हैं, हर ग्लास के अंदर 3 से 4 क्यूब डालेंगे, क्योंकि ये चिल्ड ठंडा ही मज़ेदार लगता है मशरूब अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों की सौगात है ये, मेरे सब फ्रेंड्स ने सब ने कैरीज लेके आनी है मज़े मज़ेदार, और ये ड्रिंक लाजमी बनाना है, क्योंकि मौसम जो है जब तक है उतनी देर तक आप इसको बनाएं, आपको यकीन करें दिल बहार बहार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह देखिएगा इसकी लुक, देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इतना रिफ्रेशिंग है ये, इतना चिल्ड ये मशरूब बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी गर्मी का मामला सारा ख़त्म कर देगा, गर्मी नहीं लगेगी आपको इसको पीने के बाद माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्ट मी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट बदर खान को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।